हेलो माय डियर किड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आवर टुडेज इंग्लिश टॉपिक इज सी द पिक्चर एंड राइट यस एंड नो इन द बॉक्स। सो माय डियर किड्स, आपको पिक्चर को देखना है और यस एंड नो दोनों के बीच में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है और राइट करना है। आप देखिए, फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं माय डियर किड्स। आप देखिए, यहाँ पर एक पैरेट है और यहाँ लिखा है अ पी ए आर आर ओ टी पैरेट। आप देखिए, यहाँ पर एक पैरेट है और लिखा भी यहाँ पर है अ पैरेट। सो ये करेक्ट है, ये सही है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे, वाई ई एस यस। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में आपको एक केक दिखाई देगा और नीचे लिखा है अ बनाना, बी ए एन ए एन ए बनाना। अब देखिए, पिक्चर यहाँ पर केक की है लेकिन नीचे लिखा है अ बनाना, तो ये सही नहीं है, ये रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पर नो फिल करेंगे, एन ओ नो। पिक्चर ये केक की है, नीचे लिखा गया है बनाना, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो फिल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पर ट्री है और यहाँ लिखा है अ बैग, बी ए जी बैग। तो देखिए, ये पिक्चर ट्री की है और लिखा गया है बैग, सो ये सही नहीं है, करेक्ट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नो फिल करेंगे। ये पिक्चर ट्री की है और यहाँ लिखा है बैग, तो हम यहाँ नो फिल करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर है पपाया की और नीचे लिखा है अ पपाया, पी ए पी ए वाई ए पपाया। अब देखिए, पिक्चर पपाया की है, लिखा भी यहाँ पर पपाया है, तो ये करेक्ट है, सही है, इसलिए हम यहाँ पर यस लिखेंगे, वाई यस यस। नेक्स्ट पिक्चर देखिए माय डियर किड्स, आपको यहाँ पर काइट दिखाई दे रही होगी और लिखा है अ गर्ल, जी आई आर एल गर्ल। सो ये पिक्चर काइट की है पर लिखा गर्ल है, इसलिए ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ नो फिल करेंगे, एन ओ नो। नेक्स्ट पिक्चर देखिए, यहाँ पर बॉल की पिक्चर दिखाई देगी और नीचे लिखा है अ बॉल, बी ए डबल एल बॉल। ये पिक्चर बॉल की है और लिखा भी सही है, बॉल लिखा है, इसलिए हम इसे सही कहेंगे, करेक्ट कहेंगे और यहाँ पर यस फिल कर देंगे, वाई ई एस यस, वाई ई एस यस। सो माई डियर किड्स, आई होप सी द पिक्चर एंड राइट यस नो इन द बॉक्स इज क्लियर टू यू। वी विल सून मीट विद अ न्यू टॉपिक। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड डू प्रैक्टिस इट एट योर होम।